नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नुपुर का बयान, अग्निपथ, और अब आज सुबह से ही महाराष्ट्र की राजनीति। आखिर हो क्या रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में? क्या उद्धव ठाकरे की सरकार धड़ाम हो जाएगी? क्या शिवसेना को यहाँ बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है? ऐसे सवाल दोस्तों आपके मन में भी आसमान में उमड़ घुमड़ रहे बादलों की तरह चल रहे होंगे। तो इसे जरा इस तरीके से समझिए कि दिक्कत कब शुरू हुई। दिक्कत तब शुरू हुई जब राज्यसभा और MLC के चुनाव होते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। अब उद्धव ठाकरे चाहे कुछ भी कहें, मीटिंग बुलाएं या किसी तरीके से भी पैम्पर करें अपने मेंबर्स को, लेकिन कुछ भी उनके साथ जैसा वो सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा। पहले राज्यसभा और अब MLC चुनाव में झटके के बाद महाविकास आघाड़ी सरकार पर संकट के बादल ज़्यादा गहरे हो रहे हैं। खास करके शिवसेना को यहाँ बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता, कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के 2 दर्जन विधायक इस समय कहिए कि एकदम से गायब हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि गुजरात के सूरत के किसी होटल में है, यानी कि बिल्कुल गायब हैं, उनसे किसी को कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि ये सारा खेल कैसे शुरू होता है। तो महाराष्ट्र की सियासी खेल राज्यसभा चुनाव में शुरू हो गया था। यहाँ राज्यसभा चुनाव में 113 विधायकों के समर्थन वाली भाजपा सरकार को 123 वोट पड़े थे और इसके बाद MLC चुनाव में उनकी ताकत थोड़ी सी और बढ़ गई, उनका कद थोड़ा और बढ़ गया। और सोमवार को जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें भाजपा को 134 विधायकों का समर्थन हासिल हुआ। भाजपा यहाँ विधान परिषद के अपने 5 उम्मीदवारों को जिताने में कामयाब हो गई है। और इसके विपरीत अगर हम देखें तो शिवसेना को 55 विधायकों और समर्थक निर्दलीय विधायकों के बावजूद केवल 52 यानी कि 52 वोट मिले हैं। अब जब वोटों की गिनती की मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ का थोड़ा सा गणित भी समझ लेना चाहिए। जो आंकड़ों का स्टेटस है उसको भी हम देखते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में सीटों की संख्या है 288। और यहाँ सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को 145 यानी कि 145 विधायकों का समर्थन चाहिए। 2019 में चुनाव में 105 यानी कि 105 सीटें जीतने के बावजूद भाजपा बहुमत से दूर चली गई थी। और इसके बाद 57 सीटों वाली शिवसेना केवल 53 सीट्स पे NCP और 44 सीट्स पे कांग्रेस ने यहाँ गठबंधन की सरकार बना ली। तीनों दलों के पास अपने 154 मेंबर थे। इसके अलावा अन्य दलों व निर्दलीय विधायकों के साथ सरकार को कुल 159 विधायकों का समर्थन प्राप्त था। और अब रिसेंटली कैसे पूरे जो है समीकरण बदल रहे हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। विधानसभा चुनाव के बाद ये तो साफ हो गया है कि महाराष्ट्र में भाजपा को अब 134 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, यानी कि बहुमत हासिल करने के लिए उसे अब 11 विधायक चाहिए। उधर शिवसेना के वरिष्ठ नेता जो हैं, जिनका बहुत बड़ा कद है, एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के 2 दर्जन विधायक उद्धव ठाकरे के संपर्क में नहीं है, बिल्कुल एकदम ब्लैकआउट में है, उनकी कोई बात नहीं हो रही है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये विधायक भाजपा के संपर्क में है। इसके अलावा अगर कुछ और इनपुट्स हैं उनको देखें तो कांग्रेस और NCP के भी कुछ विधायक भाजपा के पाले में जा सकते हैं। और देखिए, राजनीति में तो गणित लगाया जाता है। अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के लिए एक नया संकट खड़ा हो सकता है। और सरकार गिरने की वजह और भी है। 288 सदस्य महाराष्ट्र
महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत के लिए 145 विधायक चाहिए और कुल सीटें जो इस समय वैकेट हैं, रिक्त हैं, तो कुछ विधायक जेल में हैं। इसलिए जो प्रभावी संख्या है वो है 285। ऐसे में बहुमत के लिए 143 सदस्यों का समर्थन चाहिए और उद्धव ठाकरे सरकार के पास 153 विधायकों का समर्थन है। यदि यदि शिवसेना में फूट पड़ती है तो कांग्रेस के भी कुछ विधायक टूट करके भाजपा का दामन थाम सकते हैं, जैसा कि अक्सर ऐसे मौकों पे होता है जो बड़ी पार्टी होती है उसको समर्थन देने के लिए लोग कुछ भी कर जाते हैं। पर भाजपा के 106 विधायक हैं, 106, तो राजग के मिला करके 113 विधायक हैं, इसलिए वह दावा पेश कर इनका समर्थन हासिल कर सकती है। कुल मिला के ये लग रहा है कि उद्धव ठाकरे भले ही कुछ भी कहें, उनकी इस समय मीटिंग चल रही है और कुछ भी कहें वो, लेकिन इस समय एक खतरा जो है उनके उनकी पार्टी पर है, उनकी सरकार पे है। तो आने वाले समय में देखना ये होगा कि महाराष्ट्र की सरकार किस तरीके से इसे बेड़ा पार करती है अपना, या के रास्ते में डूब जाती है, सरकार रहती है या चलती है, ये सब समय बताएगा। दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक बार, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए और इसे लाइक करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।